है क्या बोला तूने? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस इससे पहले कि आज की ये कहानी शुरू हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विंजो के बारे में। गाइस इसमें केवल रॉयल पास और ये सब जीतना ही आसान बात नहीं है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर आप जानोगे तो भाई साहब आपके होश उड़ जाएंगे। फिलहाल विंजो में और भी बहुत सारी नई चीजें आ चुकी है, जैसे कि अगर आप चाहो तो इसमें मनपसंद गेम अपने COD, फ्री फायर या उसके जैसे बहुत सारे ईजी गेम्स होते हैं जिनको आप खेल के पैसे कमा सकते हो। उसके अलावा गाइस इसमें आ चुका है विंजो स्टोर। अब गाइस देखो विंजो स्टोर में क्या होता है कि आपको जो कुछ पैक्स होते हैं ना वो थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, जैसे कि अगर आप फ्री फायर के डायमंड ले रहे हो, अगर आप पबजी की यूसी आपको अभी नहीं मिलेंगे लेकिन बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया आने पर भाई पक्का मिलेंगी, मतलब बहुत ही चीप प्राइस पे। और सबसे बड़ी बात जो आती है ना कि क्या आपने जो पैसा जीता है कमाया है वो मिल पाएगा, भाई एक क्लिक में आप देख सकते हो यहाँ पर भाई बहुत ही इजी अपने अकाउंट में विड्रॉ कर लो, पेटीएम में, बैंक में, UPI में, और साथ ही में आप इसे रेफर एंड अर्न करके भी कमा सकते हो। तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस, और भाई साहब आज फेरो ने पूरे सर्वर में लंका लगा दी। मतलब ये वाला मैच अगर तुम एंड में जब देखोगे ना, एंड वाली फाइट देख के तुम ये कहोगे भाई साहब रितेश भाई मजा आ गया। और गाइस पता है मैच के बीच में क्या हुआ, मतलब एक टीम थी तो जैसे हमने उस पर रश किया तो वो टीम आपस में बात कर रही थी कि भाई क्या करना है, बंदूकबाज आ गया, मारना है कि नहीं मारना है। भाई मैंने बोला क्या बात कर रही है, तो भाई अपना नाम याद करके बैठे। चलो फिलहाल बात करते हैं हम लोग जैसे मिलिट्री बेस कूदे, मेरे को हाथ में गन मिली उसके बाद में पहले एक बॉट दिखाई दिया। Marked a location. अब इससे पहले कि आप लोग नीचे कमेंट में हैकर हैकर स्पैम करो तो मैं बता दूं कि देखो ये जो नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है ना, मैं आपको लाइव में ही बता चुका हूं यार, ये ना एक इमोट है। मैं जैसे उसे स्पॉन लॉबी में करता हूं स्पॉन आइलैंड पे, वहां पे अगर वो इमोट नहीं होता है तो फिर ये ऐसा ग्लिच मेरे को पूरे मैच में दिखाई देता है। और आप सोच रहे हो मैं ग्लिच क्यों करता हूं बार बार, तो रुको भी भाई बहुत अच्छा लगता है देखने में। फिलहाल हमारी बिल्डिंग में दो बंदे आ चुके हैं, अब यहां देखो भाई ये कब निकल के गया मेरी साइड से, मतलब मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चला कि ये बंदा उधर ही गेट के पीछे खड़ा हुआ था। पर जो भी है भाई यहां पर मैंने इसके पूरे हेड ही हेड दिए तो ये मान लो बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची है। फिलहाल आप देखो इसके बाद में ना कुछ फाइट यहां चल रही थी और जैसे मुझे पता चला मैं फेरो के साथ यहां आ गया। भाई इस बंदे को बहुत ही लिट किया मैंने, तो सबसे पहले अब मेरे को थोड़ी बहुत लूट वूट चाहिए थी जैसे कि स्कोप वगैरह, तो मैं जैसे स्कोप लेता हूँ भाई मेरी हेल्थ देखो इस बंदे ने कितनी छोड़ी है। और इससे पहले कि मैं ये फर्स्ट एड लगा के उस बंदे को भरता, साइबर ने पहले उसको नॉक कर दिया। बेचारा देखो मेरा गॉडजिला बड़ी कैसे मुंह लटकाए खड़ा है कि देखो भाई हमारे बंदूकबाज भाई को किल मिला। कोई बात नहीं यार मिल जाएगा किल, तो दुखी मत हो, मैं चल रहा हूँ ना आगे, अभी सबको मारेंगे। देखो तुम टेंशन क्यों ले रहा है भाई, आ जा मेरे पीछे पीछे। गाइस ये देखो बाइक पे कितना मस्त लग रहा है ये ग्लिच, मैंने मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसे, तुमने देखा है ये जो फेरो वाला जो वो है ना पैरासूट, बिल्कुल वैसा दिख रहा है भाई। भाई पहले बॉट को तो ठिकाने लगा ही दूं यार। चलो अब बाइक लेके निकल ली। तो गाइस इसके बाद हम लोग सीधा आते हैं पोचिंग की ओर, बहुत है बंदे देख रहे हो 27, और इसमें से लगभग 17 बंदे मारने वाला हूं मैं 27 में से, समझ रहे हो तुम लोग। अब देखो हम जैसे यहां पर आए पोचिंग की ओर, यही वो दो बंदे जो आपस में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं ग्रैंड मॉली फेंकता हूं। अब भाई मैंने गैंड तो कंफर्म किया, बंदा बोल भी रहा था लेकिन मैं जैसे ही आया तभी उसने मेरे पे फायर किया। अब
अब एक बंदे को तो हमने इजी भर दिया, लेकिन जो दूसरा बंदा था वो था थ्री स्टोरी के ऊपर, ठीक है ना। अब थ्री स्टोरी के ऊपर अगर हम वैसे रश करेंगे तो हो सकता है कि हम तीनों को मार दे। तो मैंने थोड़े से दिमाग के ना घोड़े दौड़ाए, और तुम्हें पता है भाई को दिमाग के घोड़े दौड़ाने बहुत ही अच्छे। मैं घूम के आया दूसरी वाली थ्री स्टोरी पे, और यहां से देखो गाइस क्या ही एंगल मिला। और भाई ये भरा हमने दूसरे बंदे को। बाय द वे तुम्हें ये टैक्टिक कैसी लगी एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बीजेएमआई के अंदर ना बंदों को डैमेज बहुत ही ज्यादा देना पड़ रहा है। फिलहाल मैं तुम्हें चलो स्पाइडरमैन से मिलाता हूँ, स्पाइडरमैन से स्पाइडरमोन से मिलाता हूँ। आओ भाई ये कब आया हरीश और कब चला गया और इसके साथ हुआ क्या, ये तो खुद इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा होगा मुझे। भाई तो तुम पीछे देखो, देख रहा भाई साहब गाने भी खुद ही गा रहा है और डांस भी खुद ही कर रहा है। चलो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, और इसके बाद हम लोग आए गाइस देखो स्कूल अपार्टमेंट, और स्कूल अपार्टमेंट मतलब भाई इंटेंस फाइट। लेकिन आज यहाँ एक ऐसी हरकत हुई जिसकी वजह से ना मुझे एक बहुत ही अच्छा सा इमोट करने का मौका मिल गया। अब एक बंदे को नॉक करके हम लोगों ने फिनिश कर दिया, फिर तलाश थी दूसरे बंदे की। पहले तो वो बहुत देर तक दिखाई नहीं, और उसके बाद में तुम खुद देखो ये क्या ही कर रहा था बंदा। मैंने बोला बर्डी बर्डी कहाँ जा रहे हो यार, गलत बात है ये। चलो अभी इमोट करना पड़ेगा हमें। तो भाई साहब इस खतरनाक से इमोट के लिए गए जल्दी से पहले एक एक सभी लोग लाइक ठोक देना। और चलो अभी हम लोगों को आगे निकलना है, ठीक है। तो हम लोगों ने उठाई अपनी गाड़ी। भाई साहब ये कौन था, और आंधी सी की स्पीड से आया और आंधी की स्पीड से चला गया। कोई बात नहीं, अभी देखो हम जैसे ही इन बंदों का पीछा करते हैं तो यहाँ एक फॉग वाली फाइट होने वाली है, और ये फॉग वाली फाइट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रही आज की। अब ये मैक्लेरन बनने वाली गाड़ी जैसे हम लोगों को दिखाई दी, हमने इधर मोड़ा तो हमें ये गाड़ी नहीं मिली, लेकिन तभी हमें एक बग्गी दिखी और वो हमारे हाथ चढ़ गया। और देखो बग्गी वाले का फिर क्या ही हुआ भाई। बस बग्गी के टायर गए। अब जैसे इसको हमने नॉक फिनिश किया तो हम दुख मना रहे थे कि यार वो गाड़ी भी चली गई, डांसे भी चली गई, अब क्या करें। एंड तभी एंट्री होती है एक और बग्गी की जब हम लोग यहाँ पर आते हैं। और अब देखो तुम एक्शन सीन। सोच रहे होंगे भाई क्या ही मारा, एक ही बंदा था, लेकिन रुको भी अब बताओ गाइस कैसी लगी यहाँ की फाइट, मतलब सही में। अब मजा आया हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, बस मैं ज्यादा आप लोगों से कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि फिर ज्यादा बोलता हूँ तो आप लोग गुस्सा हो जाते हो। तो चलो गाइस अभी तो इंटेंस फाइट बाकी थी इस मैच की। जैसे हम लोग आते हैं वाटर सिटी पे, मतलब वाटर सिटी में पहले हमने देखा स्क्वाड हाउस में गाड़ी खड़ी है, उसके बाद ना हमारी हिम्मत नहीं जाने की, क्योंकि तुम्हें पता है कि जैसे हम लोग गाड़ी लेके जाएंगे अगर चार बंदे तो हमें भर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आए, हम लोगों ने यहाँ से देखा कि कैसे बंदे हैं, फाइट हमने ली, और उसके बाद में हम लोगों ने रश किया यहाँ पर। अब इन बंदों के सर ही सर पे जो गोलियां बाजी है ना उसके बाद तो ये दिखे नहीं, अंदर चले गए, ठीक है। सो हमने उठाई अपनी अपनी गाड़ी और निकल पड़े स्क्वाड हाउस की तरफ। लेकिन एक सेकंड भाई ये क्या हुआ, ये तो भाई लिखा हुआ नहीं था कहीं भी भाई कि फ्यूल खत्म भी होने की है। भाई फ्यूल खत्म हो गया और मरते मरते बचे हम लोग। तो सबसे पहले जल्दी से कवर में आए, और उसके बाद में ग्रेनेड की वर्षा चालू हो जाती है। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी, बंदा की पोजीशन बहुत ही अच्छी ली थी। ग्रेनेड्स का कोई भी फायदा नहीं। फाइनली मैंने ली एक मॉली, उसमें मैंने थोड़ा सा पेट्रोल लगाया और फिर लाइटर से उसको जलाया, और फिर मैंने यहाँ फेंक दिया। और यकीन मानिए
इससे काम बन गया, वो बात अलग थी कि मैं भी मरते मरते बचा। अब इसको तो मैंने नॉक कर दिया और दूसरा बंदा मौली से लिट होकर नीचे कूद दिया, ठीक है। और जैसे हम लोगों को ये बात पता चली तो मैं यहाँ आया एंड तभी देखो मेरे को क्या ही एंगल मिला। तो भाई ये वाली स्क्वाड तो गई, ठीक है, लेकिन अभी तुम देखो ये वाली स्क्वाड आओ, देखो ऑलमोस्ट जोन से बाहर हो चुकी है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने डिसाइड करा कि साइबर भाई चलो एक काम करो, लाओ एक डब्ल्यू हमको दे दो, अब से हम करेंगे स्नाइपिंग, ठीक है। बेशक होती नहीं लेकिन ट्राई करेंगे फिर भी। ये क्या था, पूरा हेड तो था, खैर जो भी है गाइस। अब देखो सामने वाली टीम जो है वो जोन के बाहर होने वाली है, तो हम पहले से ही तैयार थे। उसके बाद हमने देखा यार अभी हल्का सा कोना बचा हुआ है, लेकिन हमें भी यहाँ से जोन में निकलना है क्योंकि सामने पहाड़ी भी बंद है और राइट साइड वाले घरों में भी बंद है। तो सबसे पहले मैंने किया स्मोक और धीरे 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 फेरोक आउटफिट पहन के, बेशक डर लग रहा था मेरे को, मैं घुसा चला गया। और यहाँ सीन देख के ना तुम ये कहोगे भाई कैसे कैसे बचे तुम यहाँ, हमें बताओ, हमें भी ये मंत्र चाहिए। तो देखो मैंने है ग्रैंड फेंका, फिर मेरे को लगा बंदा शायद इधर होगा और तभी जोन आ गया। ये वाली टीम तो कोई स्वाहा, लेकिन अभी बंदे राइट में और सामने देखो ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये रिज इन्होंने क्यों बनाई है यार, और अगर बनाई है तो प्रॉपरली दिखाओ तो सही, बंदा देखो सामने दिख रहा है लेकिन जैसे उसके हेड पे गोली मार रहा हूँ वहां पर रिज है, मतलब क्या है यार, मैं नहीं खेलना भाई। चलो गाइस यार अभी देखो सामने पूरी आई थिंक एक स्क्वाड नहीं क्योंकि ये लोग आपस में फाइट भी कर रहे थे, हम लोग धीरे धीरे बढ़ते रहे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले की स्मोक, ये बॉडी पड़ी, अब उसके बाद पहले सोचा तो ओपन से भाग जाऊं लेकिन ना 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 ये गलत चीज है, ऐसे नहीं करना है। स्मोक किया मैंने और बहुत सारा स्मोक किया मैंने, अब इसके बाद मुझे पता था पीक वीक तो होने वाला है नहीं, इसीलिए पहले मैंने अपनी टीम को जाने दिया आगे, उसके बाद मैं बढ़ा और फिर देखो भैया क्या ही तांडव मचा है। भाई यकीन मानो मेरा एम यहाँ कैसे खराब हुआ मुझे पता है भाई, फोन बहुत ही गर्म हो गया था एंड्रॉइड, प्लीज मान लो यार, देखो इतनी बात तो मेरी मान नहीं सकते तुम, पर जो भी है टेंस से मतलब निराशा नहीं मिलेगी, चिकन लेके जाएंगे और मजा आएगा पूरा। मैं रिवाइव हुआ, स्मोक था, फर्स्ट एड भी लगा ली और उसके बाद में एक बंदा नॉक, दूसरा भी नॉक, लास्ट बचा है बस केवल। एंड भाई साहब मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन रेयर। सो गाइस तुम्हें कैसा लगा ये मैच फेरो डोमिनेशन, अब अच्छा लगा है तो पहले एक लाइक कर देना, कोई भी चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अपना गोल है 2 मिलियन का। सो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते थे थैंक यू सो मच। बाकी बीच महीने पर रॉयल पास के गिव अवे भी होंगे एंड इंस्टा पे आओ, इंस्टा पे के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रील्स हैं, सो वो भी देख लेना। बाकी चलता हूँ मिलूंगा वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हाँ नेक्स्ट स्ट्रीम में हम लोग गिव अवे करेंगे। चलो बाय बाय।